नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपफिक्स 200 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एपफिक्स 200 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एपफिक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एपफिक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एपफिक्स एक ब्रांड नेम है। एपफिक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सेफिक्सिन 200 mg होता है। एपफिक्स टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। एपफिक्स टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब ना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एपफिक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एपफिक्स टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, मुंह का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स एपफिक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपफिक्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एपफिक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। एपफिक्स टैबलेट एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। एपफिक्स टैबलेट को पानी में डालने के बाद एपफिक्स टैबलेट पानी में घुल जाती है, इसलिए एक कप में थोड़ा सा पानी लेकर और एपफिक्स टैबलेट को उसमें घोलकर भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एपफिक्स 200 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 8 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को 2 समान भागों में बांट कर लेने की सलाह देते हैं। एपफिक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एपफिक्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपफिक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एपफिक्स टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक एपफिक्स टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और एपफिक्स टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए एपफिक्स टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी है। एपफिक्स टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में एपफिक्स टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। वैसे एपफिक्स टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं
नहीं पहुंचाती है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एपफिक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन स्तनपान करा रही महिलाओं को दूध पीने वाले बच्चे में एपफिक्स टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को नोटिस करते रहना चाहिए। यदि बच्चे को उल्टी, दस्त या त्वचा पर रैशेस या कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एपफिक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।